अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस और फ्रूट सैलेड। मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में मज़े मज़े के खाने बनाने। मैंने चाइनीज़ राइस के लिए वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। ये गाजर को मैंने पतला पतला बारीक बारीक सा कट कर दिया है, और ये शिमला मिर्च है इसे भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और ये सब्ज़ मिर्च है, ये बंद गोभी को भी छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये चिकन है, चिकन के मैंने क्यूब्स करके और उसको फ्राई करके रख दिया है, और ये आमलेट बना के अंडों का और उसको भी छोटे छोटे पीस में करके रख दिया है, और ये नमक है और काली मिर्च, ये सोया सॉस और सिरका। मैंने ये राइस बॉईल करके रख लिए हैं, और इसे बॉईल करते टाइम मैंने पानी में नमक भी डाल दिया था ताकि राइस में भी नमक आ जाए। कढ़ाई में मैंने पहले चिकन फ्राई कर लिया है, और अब मैं वेजिटेबल्स फ्राई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं गाजर डाल रही हूँ, क्योंकि गाजर जो है वो फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैं सबसे पहले गाजर को फ्राई करूँगी। मेरी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है और राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाएंगे राइस, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके बना रही हूँ। मेरे चैनल पर जो न्यू आए हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएँ कि मैं और कैसी वीडियोज़ बनाऊँ, और ये भी बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ, बस आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। मेरी बंद गोभी फ्राई हो गई है, मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, और ये जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले से फ्राई था इसलिए मैंने एंड में डाला है, और अब मैं सब्ज़ मिर्च भी डाल रही हूँ। अब मेरी सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, अब मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और नमक या आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना है, और इसमें थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ और सोया सॉस। अब मैं सबसे लास्ट में आमलेट डाल रही हूँ, जो मैंने आमलेट बना के और उसको छोटे छोटे पीस करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। मैंने कनोल क्यूब्स ले ली है, और मैं चाइनीज़ सॉस नहीं डालती, मैं उसकी जगह ये कनोल क्यूब्स डालती हूँ। मैंने कनोल क्यूब्स को पानी में पका लिया है अच्छी तरह, और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है राइस में, और इस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपने कनोल क्यूब्स डालना हो तो आपने अपने राइस में नमक कम रखने हैं, यानी कि अपने मसाले में आपने नमक कम रखना है तो कनोल क्यूब्स डालना है, क्योंकि कनोल क्यूब्स में नमक तेज़ होता है। चाइनीज़ राइस का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसमें राइस डाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मिक्स करना है। इसमें आपने आराम आराम से चम्मच हिलाना है ताकि आपके राइस टूटे ना और मिक्स भी हो जाए। मेरे राइस अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, और अब मैं इसे और बर्तन में डाल लेती हूँ ताकि मैं इस कढ़ाई में दोबारा से बाकी का मसाला बना लूँ। अब मैं ये फिर से उसी तरह दोबारा से सारा मसाला बना के राइस बनाऊँगी। मैं चाइनीज़ राइस के साथ आज फ्रूट सैलेड बना रही हूँ, और मैंने ये सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हल्की सी काली मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि काली मिर्च और नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, और शुगर मैंने इसमें फ्रूट्स कट करते टाइम ही डाल दी थी,
जब आप पहले से फ्रूट्स कट करके रखें तो फ्रूट्स थोड़ी देर में ब्लैक हो जाते हैं, और अगर आप उसके ऊपर चीनी डाल दें तो फिर वो फ्रूट्स का कलर ब्लैक नहीं होता। अब मेरे मज़े मज़ेदार फ्रूट सैलेड और चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और साथ में ठंडी ठंडी कोक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।